हेलो गाइस, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछला वीडियो हमने एडिक्शन के ऊपर में बनाया था, पबजी एडिक्शन के ऊपर में। वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए। तो गाइस, अभी जिस वीडियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी को लेकर के। जी हाँ गाइस, मैं और आप कई दफ़ा हम लोग काम तो करते हैं लेकिन उसका सही रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। और ऐसा क्या बात है जो हमारे बिलेनियर्स जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग जो हैं, उनके काम करने के तरीके और हमारे तरीके में ऐसा क्या बात है जो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है और हम कम सक्सेसफुल हो पाते हैं? तो इनके पीछे रीज़न है प्रोडक्टिविटी। हम काम तो करते हैं बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि काम में हम कहीं ना कहीं अपना फोकस पूरी तरह से नहीं लगा पाते हैं, जिसके वजह से हमें कम उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। गाइस, आपके पास, हमारे पास और जो बड़े बिलीनियर्स हैं उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं, फिर वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाते हैं और हम इतना कम सक्सेसफुल कैसे हैं? तो इसके पीछे रीज़न है कि हम अपने समय का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से हम अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। गाइस, मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने समय का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और सही से फोकस कर पाएंगे। गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो खुद मैंने ऑब्जर्व किया था जब मैं ऑफिस में काम करता था। मैं एक बार प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जो बॉस थे तो उनके अंदर की मैंने कुछ जो क्वालिटीज़ है उनको ऑब्ज़र्व किया मैंने कि आखिर उनकी सक्सेस का क्या मतलब, सीक्रेट क्या है। तो गाइस, मैंने ये देखा कि जब भी वो कंप्यूटर पे काम करने के लिए बैठते थे तो पूरे दिन भर काम करते थे। वो 12 बजे आते थे और रात के 9 बजे वहाँ ऑफिस छोड़ करके जाते थे, और उस दौरान वो कोई भी फ़ोन कॉल जल्दी अटेंड नहीं करते थे। अगर वो इम्पोर्टेंट होता था तभी वो बाद में कॉल बैक करते थे, और नहीं तो फिर काम के बाद में या तो फिर काम से पहले। तो एक चीज़ मैं उनके पास से मैंने ये चीज़ें सीखी थी कि वो कभी भी बार बार काम करने के दौरान जब भी वो कंप्यूटर पे बैठे होते तो बार बार फ़ोन को नहीं छूते थे, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। और जो हमें, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जो सर इतनी कम है, उसके पीछे जहाँ तक कि ये रीज़न है कि हम काफ़ी हद तक अपने सेलफोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम काम करते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेलफोन को कम से कम आप अपने काम जब भी करते हैं उसे थोड़ा सा दूर रखिएगा। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है। 6P फॉर्मूला पर आप उसकी प्लानिंग कर लीजिए। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जी हाँ गाइस, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक प्लानिंग कीजिए। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो उस पर सही तरह से फोकस करने के लिए आप सही तरीके से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नोटपैड अपने साथ में रखना पड़ेगा। आपको जो कल के जो काम करने हैं वो आपको आज के टाइम में, आप रात में उसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर लीजिए, और प्लानिंग करने के साथ ही आप उसमें से A to Z फॉर्मूले पे काम कीजिए। सपोज़ आपको आपके 10 काम करने हैं, 10 आपके कुछ इम्पॉर्टेंट काम हैं, आपने 10 का पूरे नोटपैड में लिख लिया है 1 से लेकर के 10 तक, राइट। अब आप उसको क्या कीजिए, A to Z फॉर्मूले से आप उसके काम को डिवाइड कर दीजिए, यानी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे आप A के कैटेगरी में रखिए, उससे जो कम इम्पॉर्टेंट है B के कैटेगरी में रखिए, और उससे जो कम के कैटेगरी जो है उसे आप C के कैटेगरी में रखिए। इससे क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होगा वो A के कैटेगरी में होगा, यानी कि उसको सबसे पहले आपको करना है। यानी सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम है आपका उसको ख़त्म करने हैं, और बाकी के जो काम हैं, जो अननेसेसरी वर्क्स हैं, आप उन पर फोकस मत कीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि जैसे ही आप कोई काम करते हैं, आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है, आपको बताते हैं कि यार मुझे फ़ोन ख़रीदने हैं, कंप्यूटर ख़रीदने हैं, आप क्या करते हैं, यार मैं तो जीनियस हूँ, मैं तो इतने स्मार्ट हूँ, और हमारे फ्रेंड्स मुझे इतना कॉल करते हैं, आप झटपट उनके साथ आप जाते हैं, उनका काम निपटाते हैं और आप अपना काम छोड़ देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको नहीं कहने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक कि आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है आपको अगले को ना कहना है।
हाँ, ना कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी तुरंत ना कह दीजिए, यार किसी ने फ़ोन किया सपोज कि यार मुझे कंप्यूटर खरीदना है, आप बोले नहीं यार मैं तो जा नहीं सकता हूँ। यार आप हम्बल तरीके से आप उन्हें बताइए कि आपका काम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप जा नहीं सकते हैं। तो आप उन्हें ये बताइए कि तब तक के बीच में आप किसी और फ्रेंड को ले लीजिए और उनके साथ जा कर के परचेज कर लीजिए, चाहे वो कोई भी वर्क हो, चाहे वो आपका फ्रेंड का काम हो, फैमिली का काम हो, आपका काम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे सबसे पहले आपको प्रीफर करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड से ना और फैमिली से ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप सही तरीके से ना कहते हैं तो आप अपने काम को ज़्यादा सही तरीके से कर पाएंगे और उसमें सही अच्छे तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी आपको मिल पाएगी। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ और है, उसको आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए एक टाइम लिमिट आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप एक टाइम लिमिट कर दीजिए कि हाँ मैं प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा हूँ तो इस प्रोजेक्ट को मुझे 10 घंटे में या 12 घंटे में ख़त्म करने हैं, और उस 12 घंटे के दौरान में आप उसे ख़त्म कीजिए ताकि वो प्रोजेक्ट आपका जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। गाइस तो यहाँ पर मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं आप अपने लाइफ में इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और होपफुली कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगी। हो सकता है गाइस कि मैं सही तरीके से आपको समझाने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बट तरीका यही है। मैं आपको फिर से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप जो काम करते हैं उसके लिए प्लानिंग कीजिए, दूसरा ना कहने की आदत डालिए, तीसरा प्लानिंग करने के दौरान प्लानिंग को रेट कीजिए ए से लेकर के जेड तक, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले कीजिए, बाकी के काम को आप स्किप कर सकते हैं जब तक कि आपका पहला काम कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद आप उसके लिए सही प्लानिंग के साथ में आप उसका एक प्रॉपर टाइमलाइन तैयार कीजिए कि हाँ मुझे टाइम फ्रेम तैयार कीजिए कि इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे इस काम को कंप्लीट कर देना है। तो ये एक सही तरीका होगा यार, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा पाएंगे, प्रोडक्टिविटी थोड़ा ऊपर हो जाएगा आपका। जैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर होती है जाहिर सी बात है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, जब आपका काम सक्सेस हो जाएगा तो आप भी सक्सेसफुल हो पाओगे। बस इतना का ही अंतर है कि वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क ये जितने बिलियनियर्स हैं अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं और सही प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपना काम को करते हैं। गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट जो इतने बड़े बिलियनियर हैं या तो फिर इलॉन मस्क है, वो अपने मीटिंग के टाइम में बहुत कम टाइम देते हैं, लगभग 5 से 10 मिनट ही अपने मीटिंग को टाइम देते हैं, बाकी के टाइम में वो प्रॉपर सही तरीके से अपना काम करते हैं। तो यही फार्मूला आपको भी अपनाना पड़ेगा। गाइस इसके साथ ही मैं छोटा सा एक और रिसर्च कर रहा हूँ, यानी कि उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी इसी से रिलेटेड होगा कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं, आप अपने काम के दौरान किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट टू बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जिसके वजह से मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबा बने। तो गाइस मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सही तरीके से मैं आपको टाइम फ्रेम में बताऊंगा किस काम को करने के लिए आपको कितने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी और उसे किस तरह से आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।